नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबको एक बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो के साथ हमारे चैनल द मेडिकेयर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक सिरप, एक ऐसी सिरप जो कि ज्यादातर बच्चों को दिया जाता है यूज करने के लिए। बच्चों के अंदर देखने को मिलता है ये सिरप यूज करते हुए, ठीक है। ज्यादातर ये सिरप को नींद लगने के लिए दिया जाता है। ज्यादातर इसको क्या करना ना, कुछ मेडिकल प्रोसीजर होने से पहले या फिर ओटी वगैरह होने से पहले यूज करने के लिए दिया जाता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेडिक्लोरिल सिरप के बारे में, ठीक है ना। डिटेल जानेंगे पूरा आखिर से लेके, मतलब शुरू से लेके आखिर तक पूरा डिटेल इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए। दोस्तों ये जो बॉटल आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ये दोस्तों जो कंपनी इसको बनाता है, इसको डॉक्टर रेड्डी नाम का एक मतलब जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसमें कितनी मात्रा में आता है, 30 ml इसमें क्वांटिटी इसमें अवेलेबल रहता है एक बॉटल में। दोस्तों इसके मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, इसमें कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है। इसमें रहता है दोस्तों ट्राइक्लोफोस नाम का एक मॉलिक्यूल रहता है, जो कि दोस्तों पर 5 ml 500 mg कंटेन करता है इस बॉटल के अंदर अवेलेबल रहता है। दोस्तों इसके प्राइस की अगर बात करें तो दोस्तों ये जो प्राइस है ये 109.50, मतलब 109 रुपए 50 पैसे, ऑलमोस्ट 110 रुपए के अंदर आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। दोस्तों ये डॉक्टर मतलब प्रेस्क्राइब मेडिसिन है, विदाउट डॉक्टर प्रेस्क्राइब ये मेडिसिन ज्यादातर नहीं मिलता है, पर कोई कोई दुकान में से देखने को मिलता है, ये मिल जाता है। दोस्तों ये ज्यादातर जैसे कि बताया आप सबको कि ये एक पीडियाट्रिक ड्रग है, पीडियाट्रिक जो पेशेंट होते हैं उन लोगों के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। ज्यादातर इंसोमनिया नाम का एक डिजीज होता है, जिसको ट्रीट करने के लिए, जिसको ट्रीटमेंट देने के लिए ये दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है ना, छोटे बच्चों को ना, हमारे बच्चों को नींद नहीं आता है, ठीक है ना। मतलब जितनी नींद आना चाहिए एक दिन में, उतनी मात्रा में नींद नहीं आता है, क्योंकि क्या होता है ना, कुछ इरिटेशन की वजह से हो या फिर कुछ इन्फेक्शन हो गया हो, उस चीज को लेके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है ना, इरिटेशन होने लगता है। बहुत सारे मतलब ऐसी छोटी छोटी डिजीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मतलब सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, बच्चों को कई कई बार क्या होता है ना, ज्यादातर नींद जितनी मात्रा में आना चाहिए उतनी मात्रा में नींद नहीं आता है इन्फेक्शन की वजह से। तो क्या होता है ना, उस टाइम पे ये सिरप को डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं बच्चों को यूज करने के लिए। बच्चों को ज्यादातर क्या होता है ना, रात भर नींद नहीं आता है, चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, इस मतलब इस कंडीशन क्या होता है ना, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं ज्यादातर ये सिरप को यूज करने के लिए। अगर दोस्तों डॉक्टर को क्या करना है ना, कुछ माइनर ओटी करना है, ठीक है ना। जो पेशेंट है उनके अंदर क्या ना, कुछ माइनर ओटी करना है, कुछ माइनर प्रोसीजर करना है, तो क्या है ना, उससे पहले भी ये सिरप को यूज करने के लिए दिया जाए, ताकि उनको जल्दी नींद आ पाए। दोस्तों इसके डोज के बारे में बात करते हैं, कैसे इस्तेमाल करना है ना। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, तो क्या है ना, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन देख के इसको इस्तेमाल करने के लिए बोलते हैं, तो फिर ज्यादा बेहतर होगा। ये मेडिसिन को यूज करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए, इस हिसाब से वो पेशेंट की कंडीशन देख के आपको मतलब प्रिस्क्राइब करेंगे किस हिसाब से लेना चाहिए ये मेडिसिन। इसका साइड इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, ज्यादा साइड इफेक्ट इसमें नहीं है, बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि आप कभी कभी क्या होता है ना, ड्राउजीनेस ज्यादा देखने को मिलता है, नाउजिया ज्यादा देखने को मिलता है, पेट दर्द कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी क्या होता है ना, वोमिटिंग भी होने का चांस रहता है। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन है पेडिक्लोरिल सिरप के बारे में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंच पाए, ठीक है ना। अगर कुछ मन में डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कुछ मतलब अगर अच्छा लगा है तो वीडियो हमें कमेंट करके बता भी सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।